चल खुशियों के छावे गुनगुनाता चल, फिर मूंद आंखें अपनी सपना कोई आएगा खुले सपनों के गांव में इतराता चल, जिंदगी की राह में मुस्कुराता चल खुशियों के छांव में गुनगुनाता चल, फिर मूंद आंखें अपनी सपना कोई आएगा खुले सपनों के गांव में इतराता चल। बोलो बोलो बोलो, कौन कौन क्या क्या खाएगा? ओरेंज ओरेंज ओरेंज। सुमित क्या खाएगा? मैं काला खट्टा। पप्पू कहाँ है? अरे यही हम आपसे पूछने वाले थे। सुबह तो स्कूल भी नहीं आया वो। स्कूल नहीं आया? नहीं। यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। अच्छा, रुकना यहीं पे, जाना नहीं है। हाँ, आ रहा हूँ अभी। न जाने कहाँ चला गया मेरा पप्पू। सुमित्रा चिंता मत करो, आ जाएगा पप्पू। पहले भी तो घर से भागा है ना, देखना मुझे तो लगता अभी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। समझदार तो बहुत है पप्पू। तुम खाना खा लो। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा मेरा बच्चा। ओफो, प्रताप जी का फोन नहीं लग रहा है। खैर आ जाएगा, आ जाएगा। छोटू लाल इनसे कहो कि कुछ खा ले। अब खाना छोड़ देने से तो पप्पू आ नहीं जाएगा ना। मैंने रात को भगवान जी से प्रार्थना की है, पप्पू घर जल्दी आ जाएगा। कशाला रडतोस? रस्ता वगैरे चुकला काय? अरे आई वडील कुठे तुझे? हा गावडे पोरग मुंबईच दिसत नाही या चायला दो बघावतो सगळे मुंबईलाच येतात।
अरे चल अभी पुलिस स्टेशन, उधर ही देखेंगे तेरा मैटर। चल चल चले चल चल रे चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंबई में आते हैं यार, फिर नहीं मुसीबत। चल ना बोल, ना बोल तो कसा कावड़े गावड़े क्या मच मच कर रहा है, लेके आ दर्श को। चल उबारा साहबन पड़ा साहब, रास्ते पर घूम रहा था, रो रहा था उधर, इसीलिए पकड़ के लाया इसको। चल देखता हूँ मैं। जी साहब। नाम क्या है तेरा? पप्पू। जोर से बोल। ऋषभ शर्मा। बाप का नाम? छोटूलाल शर्मा। किधर से आया? नैनीताल। नैनीताल से मुंबई क्या करने आया? अंकल मेरे एक दोस्त है कुहू, मैं उसके घर टीवी देखने जाता हूँ। टीवी पर मैंने शहर के बारे में देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, लंबी लंबी गाड़ियाँ और हवाई जहाज, ये सब मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मैं भाग के यहाँ गया। हवाई जहाज देखा और मुंबई आ गए? तेरे माँ बाप तो परेशान होते होंगे। अब मैं अपने घर जाऊंगा और दोस्तों को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन बेटा घर से बिना बताए जाना बहुत बुरी बात होती, अब तो नहीं भागेगा? जी नहीं। चल गावड़े पता लिखाओ इसको। क्या खा लेते हो सर? हवा, हवा का गेम है ये सब, हवा। हेलो, अरे क्या हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ खुद ही हेल्थ साथ नहीं दे रहा। इंश्योरेंस सर खा कराएंगे। देख 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 कौन है बे? हाँ सर सर, हाँ सर सर, वो कुछ डिलीवर कर रहे हैं सर, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है सर। हाँ सर बता देता हूँ सर। ओके सर। अरे सुखी राम, ओ बेटा कल ले लियो पैसे। ठीक है साहब। ये कौन? छोटूलाल, इसी को तो बताना है। यहाँ पानी नहीं छोड़ दो तुम लोग की वजह से ना। क्या हुआ? हुआ क्या, उल्टी जैसी हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं? एसिडिटी, कुछ पिलाओ। क्या पिलाएं? गंगा जल पिला दो, मर रहे हैं ना साहब। बड़ी जल्दी पड़ी। अरे कुछ पिलाओ, तुमको कुछ बताना है, कुछ पिलाओ, लाओ ये ले आओ। क्या बताना? क्या है ये, क्या है बे? ये सर सर, ये गिलास ले। कुछ बताने वाले थे कौन? बनवानी है। अबे तुम अब रोने वाला धंधा बंद करो अपना, अब आदत बना लो बे। अब किस चीज की बना ले? मिल गया। क्या? तुम्हारा लौंडा है। मिल गया। मिल गया। क्या तमाशा बना कर रखा है यहाँ पर? ये कोई मजाक की बात है कि मुंह उठाया और घर से निकल गए? मैं अभी आई हूँ। अली भाई ठीक कह रहे हैं छोटू लाल, सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, अगर उन पर भी इसका असर हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे कल अगर पानी सर के ऊपर से निकल गया तो क्या होगा? चलो चलो, पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने। पप्पू कहाँ से लाए? ले किसको? इधर क्या कर रहे हैं? जाएगा भी, जाने दीजिए ना, भागे ना। बच्चा है, बच्चा है ये, सारे मोहल्ले के सामने नाक कटवा दी इसने मेरी। आगे से नहीं करेगा। हट जा, पप्पू को मत मारो चाचा, वो बहुत अच्छा है, वो अब कभी नहीं भागेगा। नहीं भागोगे ना पप्पू? नहीं। देखो चाचा, नहीं भागेगा, वो बहुत समझदार है।
वो हमें शहरों की कहानियां सुनाता है, है ना पप्पू? जाओ, सब घर जाओ। चल पप्पू, चले। नहीं। किधर आ तू? तू बीच में नहीं आएगी, पीछे हट। चल देखता हूँ कैसे भागता। चल अंदर, चल अंदर। मत कीजिए ऐसा, ऐसा मत कीजिए। और खबरदार, जो तूने दरवाजा खोला तो दिमाग अब करके रख दिया। कनक, ये गुड़िया कितनी अच्छी है ना, ये लो देखो। हाँ बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये लो, ये गुड़िया पप्पू ने मुझे दिया था, एक मेले में से ढूंढ के लाया था। अच्छा, पप्पू जब नहीं रहता तो ये गुड़िया मेरी साथी बन जाती है। तो इस बार भी पप्पू कुछ लेके आया होगा ना तुम्हारे लिए? शायद। क्या? सुबह से भूखा है बेचारा, कम से कम खाना तो खा लेने दो। तेरे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है उसे, पता है पूरा मोहल्ला क्या क्या ताने मार रहा है उसकी वजह से। इतने कठोर मत बनो जी, है तो अपना ही बच्चा और अभी छोटा है, समझ आएगा धीरे धीरे। मैं त्या हूं। पप्पू, पप्पू, क्या हुआ, क्या गिरा दिया? हाँ? क्या हुआ? तो पप्पू फिर से पप्पू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो नहीं रहता मुझे अच्छा नहीं लगता। कनक बेटा, परिमल बाबू कैसे हैं? पापा ठीक है अंकल। हाँ देखो बेटा, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, अरे जैसे तुम दोनों मानते हो। पर ये जो पप्पू है ना, पप्पू बहुत गंदा बच्चा है, अपने मम्मी पापा की बात सुनता ही नहीं है। हाँ मुझे पता है क्या लगता है, कुहू को और तुमको उसके साथ खेल लेनी चाहिए। नहीं नहीं पापा, आपको पता नहीं है, पप्पू बहुत अच्छा लड़का है, वो सभी बच्चों से ज्यादा समझदार है, वो सबकी मदद करता है। ये कौन आ गया इस वक्त? तुम रुको मैं देखता हूँ। अरे आ रहे हैं। अरे थोड़ी डालेगा क्या दबाना? तुम इस वक्त क्या चाहिए बेटा? अंकल मुझे ना कुहू से मिलना है। इस वक्त बहुत देर हो गई, रात के 9 बज रहे हैं पप्पू, हैं? बाद में आना, चल। वो मेरा इंतजार कर रही है, उसे मुंबई के कुछ कहानियां सुनाऊंगा। तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात है? एक बार तुमसे कह दिया कि देर हो गई है, जिद किए चले जा रहे हो। चलो निकले यहां से, चलो। और वैसे भी तुम अपने माँ बाप को बहुत परेशान कर चुके हो, समझे? एक मिनट पप्पू बेटा, अभी बहुत देर हो गई है, हा? आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, अभी जाओ। अरे तुम इसे इतना सीधा मत समझो, ये नंबरी है, नंबरी। छोटूलाल का बेटा है। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते।
अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। अरे क्या बताऊं, मैं गली गली ढूंढ रहा हूं मेरा लड़का, पता नहीं। तुम परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आया हूं, लेकिन एक शर्त है। आप एक शर्त है, तुम उसे डांटोगे नहीं। मैंने उसे समझा दिया है। समझ गया है। रुको, आ जा बेटे पप्पू, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। देखो कितने अच्छे से आ रहा है। आ जा बेटे, आ जा आ जा। अरे रुको, क्या समझाया था मैंने तुमको, समझते नहीं हो तुम लोग बच्चों को। जाओ बेटे जाओ जाओ। चलो बेटे चल, घर चल, हट जा। चलो पीछे से चल। अब देखता हूँ कैसे भागेगा तू। क्या कर रहा है? बीच में मत पड़, हट। पागल हो गया उसको, गलियों में छोड़ छोड़ के पागल हो गया हूँ मैं। क्या हो गया आपको? मरो। दीपक, यस सर। प्रमोद, यस सर। शिमित, प्रेजेंट मास्टर जी। ऋषभ, ए ए, शांत रहो। ऋषभ शर्मा, ये नहीं आया? नहीं। क्या करूं इस बच्चे का? जल्दी करेगा, स्कूल जाएगा नहीं। पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं। काम तो सीख ले ठीक से,
इधर उधर मत देख, जल्दी जल्दी हाथ चला, ला गिलास दे इधर ला। और है? देता हूँ। ये लाल वाला नहीं, वो लाल वाला। दिखा भैया को, दिखा दिखा। ये तो बहुत ही बढ़िया लगेगा मोनू पे। बस नहीं, और एक है। ला दे। हमारा मोनू पूरे शहर में हीरो दिखना चाहिए, हीरो दिखेगा सर। चलो एक बार आते हैं यहाँ पे। पापा, उन अंकल ने पैसे नहीं दिए। किसने? उन अंकल ने। इधर इधर मामा देख, इधर। हाँ पापा। एलियन रॉय, एटीएस। या चश्मा, चश्मा जी। एक मिशन है, कुछ बातें करनी है आप लोगों से। हाँ जी, तो चलें। चलिए इधर, इधर चलिए। चल 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 चल, मिशन है भाई। देखो मैं बार बार नहीं मिलूंगा। हाँ बिल्कुल। रुक जरा, तेरी माँ ने कहा था सरसों का तेल ले आना। क्या हाल है? ठीक। सरसों का तेल दे दे। अच्छा जी, ले। अरे भाई देखिए, कुछ चूरन बूरन दीजिए, बड़ा पेट गुड़गुड़ करता है भाई। नमस्ते मास्टर। अरे नमस्ते छोटू लाल जी। पप्पू। नमस्ते मास्टर जी। खुश रहिए बेटा, बच्चा स्कूल नहीं आया आज? भेजता स्कूल ही हूँ, पता नहीं कहाँ चला जाता है। नहीं नहीं, बहुत होशियार बच्चा है, पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है छोटू लाल जी। देखो बेटा, अच्छे स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। देखो आज कितनी अच्छी पढ़ाई स्कूल में, नालंदा के बारे में, बोधगया के बारे में, और क्या कुतुब मीनार के बारे में, और तुम तो आए नहीं, अब कैसे सीखोगे? नालंदा और बोधगया बिहार में, और कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। मास्टर जी, यूएन सर ने भी ये सब देखा था। क्या? यूएन सर ने भी ये सब देखा था। छोटू लाल जी, बच्चे को कल स्कूल भेजिए, अच्छे से पढ़ाई करेगा, हमारा और आपका नाम रोशन करेगा। है जी। भाई कुछ चूरन तैयार हो गया क्या? मास्टर जी जी, पनडुब्बी हमारे देश में कहाँ मिलती है? बेटा पनडुब्बी हमारे समुद्र में पाई जाती है, उसमें सेना के जवान रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। मास्टर जी, जो इंसान पनडुब्बी के अंदर रहते हैं वो खेल कूद करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। मास्टर जी ये तो ऐसी बकबक करता रहेगा, इसको ले जाता हूँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हमारी तबीयत ठीक हो गई है, इसके सारे सवालों के जवाब मैं देकर ही जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। बेटा पनडुब्बी में खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। मास्टर जी, पनडुब्बी चांद पर उड़ सकती है? देखो बेटा, स्कूल समय पर आओ, ठीक से पढ़ाई करोगे तो पनडुब्बी हवाई जहाज क्या, चांद पर भी पहुंचना असंभव नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। अरे पुड़िया पुड़िया पुड़िया, आपकी पुड़िया तो ले लेते। गुड़गुड़ ठीक हो चुकी है जी, रखो। रवि कुमार, लतीफ अहमद, लतीफ अहमद। प्रेजेंट मास्टर जी। बैठो। चुल्लू पांडे। प्रेजेंट मास्टर जी। ऋषभ शर्मा, ऋषभ शर्मा। पप्पू नहीं आया? नहीं। मास्टर जी मैं अंदर आ जाऊं? अंदर तो आ चुके हो। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम सुधर नहीं सकते। कल कितनी बार समझाया था बेटा समय पे आने के लिए, कितनी बार समझाया था, समझाया था ना? चलो बाहर मुर्गा बनो, चलो। और सुनो, कल समय पर स्कूल आना, समझ गए?
नहीं तो पूरे दिन मुर्गा बना के रखूंगा। जाओ। मास्टर जी इधर आओ। क्या मास्टर जी? मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। दुनिया की सबसे लंबी रेल की पटरी कहाँ है? मुर्गा बने बने यही सोच रहे थे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अच्छा, वहाँ पे पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन पहुँचने में कितना वक्त लगता होगा? 12 दिन। 12 दिन? तो लोग ट्रेन में खाते क्या होंगे? वहाँ पूरी सब्जी तो मिलती नहीं। एक काम करो, साइबेरिया जाओ, ट्रेन में बैठो, 12 दिन सब कुछ नोट करो, मुझे भी आके बताना, मेरा दिमाग मत खाओ। सवाल 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 पूरी दुनिया में सवाल लेकर घूमता रहता है, एक दिन भी स्कूल टाइम से आता नहीं, चाहे कितना भी समझाओ। चलो बस उठो, चलो बच्चे, क्लास चलो, चलो बच्चे सब भागो यार। बस्ता ले बस्ता, शरारती हो चुके हो तुम सब। ऐसे बच्चे कहाँ से? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, अभी तुम्हारी कुटाई करता हो तुमसे धोती के नाम से युवा। हमें शहर के बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं, बताओ ना क्या क्या देखा। हाँ यार पप्पू बताना। शहर तो कमाल का था, ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, वो मास्टर जी का कहते हैं भीमकाय, कुतुब मीनार भी कुछ नहीं है उनके आगे। क्या बात कर रहा है, मुझे तो लगा फिल्मों में ही लगती है बड़ी बड़ी। फिल्मों में कुछ भी नहीं, और उनमें चढ़ते कैसे? सीढ़ियों से नहीं, कांच की एक घर होती है लिफ्ट, बस वो उन्हें आराम से ऊपर लेके जाती है अपने आप, हिंडोले की तरह। हाँ, एसी वाला हिंडोला। सही है यार, और तूने इंडिया गेट देखा? इंडिया गेट तो दिल्ली में है, मुंबई में तो गेटवे ऑफ इंडिया है। वहाँ खड़े होकर देखो तो दूर दूर तक समंदर दिखाई देता है। समंदर? हाँ, पर सिर्फ मैप में ही नीला दिखाई देता है, समंदर का पानी तो तालाब के पानी जैसा दिखाई देता है, और उसमें तैरती रहती है छोटी बड़ी नावे, कोई अब बड़ी तो कोई इतनी चिंटू सी। वहाँ शहरों के अंदर ट्रेनें चलती रहती है खूब सारी, वहाँ रात को सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ रात को रंग बिरंगी लाइटें चमकती रहती है, बहुत सुंदर लगता होगा ना। हाँ, मन कर रहा है अब भी उड़कर पहुँच जाऊँ। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। चलो चलो घर चले। हाँ चलो चलो कुरु। चलो चलो, ये मोनू मेरा कॉपी देना, मेरे पास है। संकट हरन मंगल हेलो। हाँ भाई, फंस गया हूँ यार, डंडा नहीं मिल रहा, डंडा टोपी मैं पहुंचा। तू बस बस क्या, कहाँ जाना, क्या है? हाँ ऑफिस। और ये हाथ, यहाँ क्या क्या कर रहा, कर क्या रहे हो तुम? कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? सही ढूंढ रहे हो? डंडा ढूंढ रहे हो? पढ़ाया डंडा ढूंढने, अरे डंडा सोफे के नीचे क्या करेगा बेवकूफ? तो कहाँ होगा फिर? कहाँ क्या होगा? हाँ, अरे मोनू खेल रहा था आपके डंडे के साथ सुबह। मोनू कुत्ता नहीं था, आ जरा बच्चे का कुत्ता बोलते हैं, निकल गया बोलो, बच्चे का कुत्ता बोलते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गए, जाके ढूंढो उधर ही। सो सोने दो तब ना, चैन से कोई सोने भी नहीं देता। मोनू ऊपर चढ़ जा, मजा आ रहा है। मोनू आना। ए मोनू, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, ऊंचाई से डर लगता है।
तुम लोगों के कहने पर मैं पापा की चीजें ले तो आया, पर अब ए मोनू, कभी तेरे पापा पेड़ पर लटके हैं? नहीं। पुलिस वाले का अपहरण कर रहा था तू? कहाँ ले जा रहा है? मोनू को दिखा रहा हूँ ना। अरे मोनू देख, तेरे पापा आ गए। अरे पेड़ पर किसने भेजा उसको? ए मोनू चल तो जल्दी आ जा। मोनू जल्दी जल्दी। अरे मोनू पेड़ पे क्या कर रहा है तू? बंदर हो गया क्या? इधर आ। आजकल के बच्चे भी ना, अरे घर में पैदा हुआ है, यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ मोनू, कहाँ मोनू? मोनू अरे यहाँ क्या कर रहा है यार? घर किराए पे लिया है, तू पेड़ पे लटका हुआ है, बंदर हो गया क्या? क्या बदतमीजी है? अरे घर से प्रेशर कुकर उठा लाए होते, अपनी अम्मा को वहां से उठा के यहाँ बिठा दिया होता, मेरा टोपी और जो है डंडा लेकर करके यहाँ कर आ जाओ। क्या 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 और क्या क्या लाओ? ले आओ। किस मने हो बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बातें कर रहे हो? किधर किधर घूमते रहते हो सर? यहाँ आओ। पर मैं यहाँ आया क्यों था सर? अबे पूछ रहा बता रहा है। अरे सर, अरे बड़े सांप लोग लाए सर, बड़ी जल्दी सर। बच्चों से बात कर रही है यार। तुम भी ना बोलो, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। अंकल हमारी एक शर्त है। मान ली बेटा तेरी शर्त, बोल बेटा जल्दी बोल। कि आप मोनू की पिटाई नहीं करोगे? नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। हेलो मोनू मेरा बेटा है, मैं मारूं या ना मारूं ये मुझ पर डिपेंड करता है। ओके मोनू तुम नीचे आओ, बेल्ट लाओ। पापा पापा एक शर्त मेरी भी है। क्या शर्त बेटा? बोलो। आप हम सबको सर्कस दिखाने ले जाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे बेटा, ये मान ले तेरा सर्कस शुरू हो गया। मैं हाथी। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? बैठे हैं। यस सर आई एम ट्रैफिक, जस्ट जस्ट ऑफ कोर्स, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार मोनू तेरे चक्कर में बॉस को इंग्लिश में डांट दिया है, नीचे आ जाओ प्लीज प्लीज। अंकल हमारी एक लास्ट डिमांड है। लास्ट ही है ना, बोलो। कि आप किसी की परेड नहीं कराओगे? अरे देख सुन, क्या है बेटा, मैं कभी कुछ कभी किसी की परेड नहीं करवाऊंगा। जो भी मेरे थाने में आया, चोर आया, बदमाश आया, यहाँ तक कि कसाब भी आया, उसको भी रेड कार्पेट पे बिठा के पूछूंगा कि अंकल जी क्या पियोगे, ठंडा पियोगे, गरम पियोगे, बिस्कुट खाओगे, समोसा खाओगे? समोसा गरम होना चाहिए। बिल्कुल। जाओ लाओ मेरा डंडा, लाओ डंडा, लाओ जल्दी दो। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया। ओहो बेटा मौसम इतना रंगीन है कि कोई भी आके पकड़ा बन जाए। वेदर साफ रखने के लिए पेट को साफ रखना पड़ता है सर जी। आई लव यू। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आई लव यू। बहुत अच्छे, ये सैल्यूट तुम्हें 2 घंटे पहले करना चाहिए था। कहाँ से तुम दोनों? जी पहाड़ की बारिश सर जी, ऊपर से पत्थर, नीचे से ट्रैफिक सर जी, ऊपर से टेंशन। शहरों में आयो क्या? क्या नाम है तेरा? मेरा पी सिंह। पुलिस वालों या चोरों? प्रताप सिंह, घर में धूप आती है? जी वहीं बीवी अचार सुखाती है। अपने बीवी के अचार के साथ ये चुनरी भी सुखा देना। तुम दोनों को देखकर लगता नहीं कि साले बॉडी की इज्जत करते हो तुम दोनों? वर्दी की तो इज्जत कर लिया करो। मतलब बटन बंद करो। जी जी जी। और ये शर्ट अंदर करो वरना मुझे गुस्साना पड़ेगा। देना यार। अरे मुझ काला क्यों नहीं करते? सर मुंह काला करता हूँ ना तो मुंह काला हो जाता है। मुंह काला लेके पुलिस वाला शहर में घूमे अच्छा नहीं लगता ना सर। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम डिपार्टमेंट का मुंह काला कर रहे हो। चलो। अबे अलिनवा ये क्या कह रहे थे? चलो देखो बच्चों, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सभी देश पहले रशिया के हिस्से थे। तब इसे सोवियत यूनियन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सोवियत यूनियन। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, कोई भी देश हो, कोई भी प्रांत हो, सभी ने उस महान नेता की नीतियों को अपनाया, क्योंकि नीतियां मानवता का मूल है। क्या है? मानवता का मूल है। और वो नेता कौन है जानते हो? जानते हो? मास्टर जी, मास्टर जी। जी बोलो। महात्मा गांधी जी। वेरी गुड, शाबाश। नेता कौन है? महात्मा। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। बैठो, खुश रहिए, खुश रहिए, विश्व विजय भव। बैठो। देखो बच्चों, एक चीज हम आपको दिखाते हैं। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शाबाश। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है बता सकता है कोई? मास्टर जी, मास्टर जी। बोलो बेटा। बराक हुसैन ओबामा। क्या बात है, सबसे होनहार बच्चा है अपनी क्लास का ये। वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा, नोट करो, नोट करो सारे लोग, बच्चे लोग। मास्टर जी, मास्टर जी। जी बोलो बेटे। अमेरिका में ज्यादा गर्मी पड़ती है? नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, जलवायु के बारे में जानना चाहते हो? जलवायु नहीं, नहीं, वहाँ
सारी लड़कियां बहुत कम कपड़े पहनती है ना। कहां से सीखते हो सब कुछ, अभी बताओ तुम्हें। आज तो समय निकल गया, कल तुम सब लोगों को पहले ये बताऊंगा कि गर्मी कहाँ पड़ती है और सर्दी कब पड़ती है अमेरिका में। शैतान हो चुके हो, होमवर्क पे ध्यान दो। आज इतनी देर लगा दी? रास्ते में टायर पंचर हो गया था। कैसा रहा आज का दिन? ठीक ही था। लीजिए। अरे प्रभु, पप्पू कहाँ है? अभी तो यही था, पढ़ाई खत्म करके शायद बाहर गया होगा। आप देख कर आइए ना आंगन में। पप्पू को देखा क्या? आज ना देखा नहीं। नहीं देखा? खाना खा लेता, पता नहीं कहाँ चला गया। पप्पू, तारे कैसे झिल मिलाते हैं ये तुम्हें मैं कैसे बताऊं कुहू? एक दिन तुम तारे जरूर देखोगी। बदमाश, बैठ। देख बेटा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दे, इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कुछ बनेगा, नहीं तो मेरी तरह ठेला खींचना पड़ेगा, समझे? जी पापा। जाऊं? जा पापा को दिया, जल्दी जा। पापा पापा। हाँ। आपका खाना ला, ये बोतल दे। लीजिए। जा। अम्मा दे। अरे सर, मुझे तो बिठा लेते सर। बिगड़ा जाए। रुक बे, डंडा ला रहा है। रुक बे सर। इधर उधर थका दिए आप तो। अरे तो मर मर के भागेगा। कागड़ाओ, ठीक हो? ठीक हो। संभाल लेना। इधर। और मंदिर की घंटी। नमस्ते सर। बड़े चालाक हो। कैसे सर? ठंडे में ठंडा पिला के कमा रहे हो साले को। माता रानी की कृपा। माता रानी, पिता राजा का भी कुछ सोचो। सारे गामा पा पौसे पिता पौसे पीला पौसे पिलाना। बनाओ बनाओ बनाओ। और कभी डंडा पकड़। हाँ कभी कहाँ रहते हो? पास ही में। कैसा लगा? सर कुछ अजीब सा है। अजीब सा है, लाइट में पिला रहे हैं। भागे उसे, मुफ़्त खा रहा है। ले बे, लीजिए 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 लीजिए। कितना कमा ले तो? बस हो जाता है, पूरा हिंदुस्तानी बस हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। ये लीजिए। क्या लाओ? लीजिए यार, राजा रंग मार के तो एकदम उमराव जान बना दियो।
टोपी उठा। अबे इसका स्वाद ना कुछ। यहाँ जी सर। अहर है कहर इस ग्लास में जहर है। साले पेशाब पिला रहा तू? नहीं सर। और क्या? बैल बैल। कैसी बात? भाई ये बैलों। सर सर क्या? सर सर मेरा धंधा बंद हो जाएगा। धंधा बंद हो जाएगा? गरीब आदमी होकर के पेशाब पिला रहे हैं, थोड़े अमीर हो जाएंगे साले को तो लैट्रिन का डोसा खिलाएंगे आप? नहीं सर। मजाक पिला रखा इंसान का। सर 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 फिर बोलो मनुष्य आदमी। निकालो निकालो क्या जल्दी कितना निकालो? देखो पेशाब पिला पिला के इतना कमाए। अबे ये वाला कौन निकालेगा चाचा? कान का पकड़ दो, छोड़ दे, रखो उसको। गरीब आदमी हूँ, मेरा छोटा बच्चा है साहब। कैसा लगा? बढ़िया ही है। चल दे। मम्मी। क्या किया ये? क्या हुआ? घर में गुस्से बच्चे को मारने लगते हैं, क्या हुआ? इसने धंधा चौपट कर दिया मेरा सुमित्रा, धंधा चौपट कर दिया। इसकी वजह से बाल बाल बचा हूँ पिटने से। भगवान ऐसा नालायक बेटा किसी को ना दे। चुप चुप बोलिए। क्या किया बेटा तूने? कुछ नहीं। देखा इसे कुछ नहीं किया। आप भी ना। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो पूछो इससे बोतल में पेशाब किसने किया? सुसु की थी पर ठेले पे नहीं, वहाँ कोने में रखी थी। हाँ तो ठेले पे अपने आप उठ के आ गई जी। वो मैंने उठाकर फिर तुमने मतलब तुम्हें शरबत और पेशाब में फर्क ही समझ नहीं आता। हे भगवान, हे भगवान। जी 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 जी। सारा दिन जाने लोगों को क्या क्या पिलाता रहा, अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे जेल हो जाएगी, मेरा वहां खड़ा होना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा पापा। अच्छा कैसे कुछ नहीं होगा? टीवी पर मैंने देखा है लोग सुसु का प्रयोग दवाई में करते हैं। हाय मेरा बच्चा। कौन सी दवाई में? आयुर्वेद। देखा? हाँ देख लिया, हट पीछे। अरे इधर आ। क्या हो रहा है? अंकल आप ना गुस्से को थूक दो और पप्पू को हमारे साथ कबड्डी खेलने दो। अंकल क्या कर रहे हैं? हाँ अंकल पप्पू को माफ कर दो। अंकल आप पप्पू को माफ नहीं करोगे तो हम सब भी मुर्गा बन जाएंगे। अरे ये हे राम क्या है? अरे उठो उठो, अरे उठो उठो उठो। अब बदमाशी नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा। अगर बदमाशी की ना तो तेरे साथ तेरे दोस्त भी पीटेंगे। चल जा। देख देख इधर देख, ये बदरी का लौंडा देख खुरपा ताल रहा है, जान नहीं ताल रहा है साला। अबे इधर कबड्डी
क्या हुआ कुहू, तुम यहाँ ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं पप्पू, ऐसे ही। मुझे पता है, कुछ तो बातें बताओ ना, क्या हुआ कुहू? ये सब कितना सुंदर है ना पप्पू। क्या सब? ये तुम सब खेलते हो, सब कुछ करते हो जो करना है, पर मैं तो कुहू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ना। हाँ पप्पू, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम सब कुहू? अरे तुम भी तो। तो चलो हम सब खेलने चलते हैं। चलो। पता है गुरु, आसमान में चार पांच लोग उड़ रहे हैं चिड़ियों की तरह, रंग बिरंगे पैराशूट लगाकर। इसे क्या कहते हैं? PARA, पैराग्लाइडिंग। लोग उड़ रहे हैं? हाँ बहुत सारे। मतलब पैराशूट हो तो इंसान पंछी बन सकता है? पंछी जैसा ही तो लग रहा है। पर ये पैराशूट होता क्या है? एक बड़ी सी छतरी जिसमें बहुत मजबूत धागे बंधे हुए हैं, इन्हीं के मदद से लोग उड़ रहे हैं। कितना मजा आता होगा ना इन्हें, क्या हम लोग भी उड़ सकते हैं यहाँ? आओ बताता हूँ। पैराशूट हो तो उड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे। मजा आ रहा है? हाँ, पर ये पैराशूट मिलते कहाँ है? मुंबई में। क्या हुआ कुहू, तुम यहाँ ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं पप्पू, ऐसे ही। मुझे पता है, कुछ तो बातें बताओ ना, क्या हुआ कुहू? ये सब कितना सुंदर है ना पप्पू। क्या सब? ये तुम सब खेलते हो, सब कुछ करते हो जो करना है, पर मैं तो क्या हुआ पप्पू, तू इतना उदास क्यों है? यार हम लोग कितने लकी है ना कि हम देख सकते हैं। कल तुम लोगों ने कुहू की बातें सुनी थी ना? हाँ पप्पू, पर हम कर भी कह सकते हैं जिससे कुहू खुश हो जाए। यार मुझे एक बात कहनी थी, वो उड़ना चाहती है। अच्छा कुहू उड़ना चाहती है, मतलब वो चिड़िया बनना चाहती है? अरे यार इंसान भी तो उड़ सकता है, मैंने टीवी पर देखा था। अरे कैसे? पैराग्लाइडिंग। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है। हाँ पर इससे कुहू कैसे उड़ सकती है? अगर हम पैराशूट ले तो वो उड़ सकती है। पर पैराशूट मिलता कहाँ है? शायद मुंबई में, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है ना। पर क्या पप्पू? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना पप्पू। अगर हम सब अपने पिगी बैंक से पैसे ले तो शायद हम इतने पैसे जुटा सकते हैं और हम तुम्हें वो पैसे दे देंगे। अरे हाँ हाँ, पापा ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं और वो लाके मैं तुम लोगों को दे दूंगा। तुम लोग मेरा साथ दोगे ना? हाँ यार क्यों नहीं, पर हमें करना क्या होगा? हमें भागना होगा मुंबई। भागना होगा? हाँ हमें उड़ना है ना। तुम लोग उड़ना चाहते हो कि नहीं? देखो हमें आज रात ही सारी तैयारी करनी होगी। पक्का? ये सीताराम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा सुनाओ, तुमने खाना खाया कि नहीं? नहीं, तुम माँ बेटी से बच जाए तो खा लूंगा मैं। पूरे दिन में 15 मिनट तो देते हो, उसमें भी ठीक से दबा नहीं सकते क्या? ठीक से दबाओ। ये टेररिस्ट मुझे मिल जाए ना बेटा, मैं कसम से 7 सुबह 7 शाम में इनके पिछवाड़े पे लगाऊं, तुलसीदास बना दूं, लेकिन इनका क्या करूं? किनका? टेररिस्टों का। ये पहाड़ का टुकड़ा बोझ है धरती पर। कौन है? टेररिस्ट। क्या हुआ बे? पापा लगता है मैंने चुटकुले देखी। अबे डरता कौन है बे?
मतलब कुछ ना कुछ 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 होता है, मतलब कुछ कुछ होता है। बड़े यार तुमको पुलिस में भर्ती किसने किया हा? तुम्हारे बाबूजी ने। याद है 26 जनवरी को क्या हुआ था? मुंह मत खुलवा, कहीं कहीं छोड़ा था तुमने मुझे। पापा हम? वैसे तो आप किसी लायक हो नहीं। ओके। बाय द वे आप बनना क्या चाहते थे? मैं? Of course you, my funny dad. मैंने बेटा कहीं वादियों में, हरी भरी वादियों में, जमीन से ऊपर धरती से नीचे कहीं कुछ, मूर्ति के साथ बैठ के बादलों में। अरे कौन है ये मूर्ति? स्टैचू मम्मी, स्टैचू। स्टैचू भाई, गणपति टाइप्स। अरे मैं ना कहती थी कि तुम छुपे रुस्तम हो, आज पता चला कि तुम क्या बनना चाहते थे। बड़े लेखक बने। अच्छा सुनो, सुबह कितने बजे काम पे जाना है? क्यों तुम भी चलोगी क्या? जो पूछे साफ साफ जवाब दो। 6 बजे, 6 बजे। अच्छा चलो दबाओ ना, अभी अच्छे से दबाना। बेटा कभी तेरी नानी मिले ना, उनसे चुपके से पूछियो कि क्या खा के पैदा किया था। क्या बोला? कुछ नहीं, जस्ट चिल। हाय मेरे लाल। घर गए तो हमारी बस छूट जाएगी। तो क्या हम उसे छोड़कर चले? अरे पर अगर हम उसे छोड़कर गए तो वो सबको बता देगा। अरे वो किसी को नहीं बताएगा, आखिर वो भी तो चाहता है कि कुहू खुश हो जाए। चलो चलो चलते हैं, नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। चलो चलो चलो।
बातें टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी के यादें भी है पुरानी आने वाले पल खुशी के रास्ते ये साथ चलते टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी के यादें भी है पुरानी आने वाले पल खुशी के सोचता है मन ये मेरा आसमां में उड़ना चाहे छूना चाहे चांद तारे सपने देखे कितने सारे चलते चलते रुकना कहा सोचा नहीं बस चल दिए जिद है ये आंखों में सपने भर लिए आगे ही आगे बस चल दिए चल पड़े हम क्या ठिकाना सोचा नहीं मंजिल पता है रास्ता कहाँ सोचा नहीं चलिए जान। अरे चुप क्यों है बोल बोलता क्यों नहीं अरे मुझे तो पहले से ही शक था एक मिनट अच्छे भले गांव को जवाहरलाल नेहरू चौक बना दिया तुम लोग पंचायत चल रहा है अबे हमारा भी तो बेटा खोया है हाँ, कितना रोए थे अबे तुम ज्यादा बोलना मत छाती चौड़ी की मार देंगे गोली अभी यहीं से अबे ले जाके इनका मुर्गा बनाओ दूर तक और इन भाभियों को मुर्गी बना चलो यार मार देंगे पीछे बोतल रख के जाओ लौटा खोया है क्या खा के लौंडा पैदा किए थे यार वो देखो बोला था ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग अरे चलो चलो वहां चलते हैं अरे पप्पू यह पैराशूट कहाँ मिलता है अरे तू टेंशन मत ले यार सब मिल जाएगा अरे यार पैराशूट की बात तो छोड़ इधर भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं अरे सुनो सुनो इसको खिला देते पहले फिर हम लोग पैराशूट ढूंढने चलते हैं शर्मानी चाहिए तुम तुम्हारी नाक के नीचे से बच्चे चले गए तुम्हें ना तुम्हें तो पूरे गांव में नंगा करके घुमाना चाहिए और मारना चाहिए इतना मत डांटिए सर भाभी ने बहुत डांटा इनको अरे इसी लायक है ये आज तक तुमने कुछ किया या तो है क्या किया फोन किया है किसको झाजी को 8 बार फोन किया 3 बार उठाया नहीं 5 बार उठा के रख दिया बेइज्जती कर दिया मतलब तुमने मेरा नाम नहीं लिया हो अरे नाम ही नहीं लिया पूछिए उनसे मैं पूछता हूँ पूछिए मतलब उनसे तुम चुप करो बात करने दो मुझे भाईजान समोसा बड़ा लजीज है एक और मिलेगा क्या अबे पहले बोलना तो सीख चले भी बोल देना बैठो मैं अभी ऑर्डर देके आता हूँ ऑर्डर देने के बाद मैं अंकल से पूछूंगा कि पैराशूट कहाँ मिलता है सलाम वालेकुम जी जनाब जनाब अल्लाह के फजलो करम से सब खैरियत है इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा इस बार बच्चे पैराशूट से उतरेंगे जी जनाब आप फिक्र ना करें हम सब संभाल लेंगे जी अरे
अरे सुनो सुनो, वहाँ जो साइड में अंकल लोग बैठे हैं ना, हाँ हाँ, उन्हीं में से एक अंकल बाहर फोन में बात कर रहे थे। क्या क्या? कि उनको भी पैराशूट लेना है। हाँ? अब समझो हमें उनका पीछा करना है, तो समझो हमें पैराशूट मिल गया। यस यस, यस! और वो भी बिना झंझट के। जल्दी जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो। ए, कहाँ जा रहे हो? पैसे दो। जल्दी चल, पप्पू चल। कहाँ गए? अरे देखो वो रहे। Something important. कल सुबह रिपोर्ट चाहिए मुझे। Yes sir. सर कंट्रोल रूम से अभी भी खबर आई है। एक कॉल ट्रेस की गई है सरहद पार से। मुंबई में धमाकों की बात की गई है। 15 तारीख को कुछ बच्चों को पैराशूट से उतारने की बात कर रहे हैं। बच्चों को? अभी ये लोग बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करें? नपुंसक साले। और पैराशूट से उतरने का मतलब है कि दे आर प्लानिंग एन एरियल अटैक। माइट बी सर। यू नो व्हाट कुणाल, मुझे लगता है कि ये लोग सिटी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तुम एक काम करो, जितने भी हमारे इन्फॉर्मर्स हैं शहर में सबको अलर्ट कर दो, और ये जो पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले उनको भी अलर्ट कर दो। यस सर। वी हैव टू रियली मूव फास्ट ऑन दिस। ओके? श्योर सर। अच्छा, भागा वो और जिम्मेदार मैं, हाँ? वहाँ सारा दिन बाजार में कड़ी धूप में बर्फ के गोले की तरह पिघलता रहता हूँ। तुम क्या करती हो सारा दिन घर पे? ध्यान नहीं रख सकते उसका? पूरी दुनिया में बस आप ही काम करते हैं, और तो कोई कुछ नहीं करता ना। जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत सी चीजें होती, लेकिन आपकी समझ में नहीं आने वाली। नहीं, समझाओ मुझे, समझाओ। एक बार उसे शहर घुमाने ले जाते तो इस तरह से नहीं भागना पड़ता उससे बार बार। कहाँ ले जाता मैं कहाँ ले जाऊं उसको? लाट साहब पूरी दुनिया में खुद ही घूम के आ जाते हैं। आने दो, इस बार खाल खींच लूंगा उसकी। बस सुमित्रा, जल्लादों की तरह व्यवहार करते रहे। इतनी ज्यादा शक्ति बरते कि उसे बार बार घर से भागना पड़ता है। अब सुमित्रा, अरे मैं बाप हूं उसका, मैं जो करता हूं उसके भले के लिए करता हूं। सुमित्रा, अगर भले के लिए करते तो कहा है वो? कहा है वो? आपने तो कहा था कि यह पक्षियों की फिल्म है। हाँ, तो ये क्या आपस में लड़ रहे हैं? हाँ बेटा, ये जरूर बड़े बड़े और भयानक हो गए ना, तभी तो ऐसे लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े। इनके पंख कैसे हैं पापा? कुह बेटा, थोड़ी देर जाकर खेल लो, हाँ, आराम कर लो, या तुम एक काम करो, मम्मी के साथ जाकर पढ़ाई करो। चलो। मैंने पढ़ाई कर ली। पूरा दिन ऑफिस से थककर घर आता हूं, 2 मिनट चैन से टीवी नहीं देख सकता हूं मैं। तुम पूरा दिन घर पर बैठी रहती हो, टीवी देखती हो, थोड़ी देर बच्ची को नहीं संभाल सकती? कुओं की देखभाल दिन भर कौन करता है बोलो? उसकी छोटी से छोटी जरूरत के लिए कौन है? उसकी माँ ही ना। थोड़ी देर तुम्हारे पास आके बैठ गई तो तुम परेशान हो गए। देख नहीं सकती इसलिए उसकी कोई कदर नहीं है। संजय है तो वो हमारी बेटी ना। अरे हमसे अच्छा तो वो पप्पू है जो उसकी हर तरह से देखभाल करता है, संभालता है उसे। हाँ।
अच्छा बताओ तू ये कौन है? ये तो गणेश जी है ना पप्पू। हाँ पता है, तुम्हें मालूम है ना इन्हें क्या पसंद है? लड्डू। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जी रहते कहाँ होंगे? माँ कहती है कि वो हमारे दिल में रहते हैं, तभी तो हमारा दिल धड़कता है और हम जीते हैं। हम सबका दिल धड़कता है पप्पू। आ तुम सुन भी सकती हो। ऐसे ही मेरा दिल धड़कता होगा ना पप्पू, देखकर बताओ ना पप्पू। तेरे हंसने से मुझको आती है हंसी, तेरी सारी बातें चुपचाप मैं सुनती, ऐसा लगे तेरे बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा लगे तू है दुआ मेरी खुशी। चलना सीखा मैंने, गिरते उठते गिर कर संभलना सीखा मैंने, मेरे सपनों में जो रंग है तो ही लाया है, तूने पंख दिए और उड़ना सीखा मैंने, ऐसा लगे तेरे बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा लगे तू है दुआ मेरी खुशी। तेरे हंसने से मुझको आती है हंसी, तेरी सारी बातें चुपचाप मैं सुनती। खबर मिलते ही बता दूंगा साहब। सर अंकल, अंकल आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? ये अंकल को मैंने पैराशूट की बातें करते सुना था फोन में। क्या सुना था? पैराशूट, वो क्या है ना, हमें पैराशूट खरीदना है। आप बता सकते हो पैराशूट कहाँ मिलता है? तुम लोगों को पैराशूट खरीदना जी, है? हाँ, जी। हाँ। वो तो यहाँ बड़ी मार्केट में मिलेगी, किसी से भी पूछ लो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। अरे थैंक यू शेमित। इधर है वो दुकान, पूरे पैराशूट। वाओ पैराशूट कितना अच्छा लग रहा है। चलते हैं, चलते हैं, इधर इधर। ये अंकल, अंकल अंकल पैराशूट चाहिए। पैराशूट? हाँ। अच्छा लो, कैसा पैराशूट चाहिए आपको बेटा? देखो बताओ इसमें से सिलेक्ट करो। अच्छा नहीं पप्पू, नहीं नहीं अच्छा ये नहीं चाहिए। ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, नहीं चाहिए ये वाला। अच्छा ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा स्टॉक में है या नहीं। एक काम करो आप बाहर बैठो, ठंडा वंडा पियो। देवा इनको ले जा बाहर और ठंडा वंडा पिला, जब तक मैं ये बता करता हूँ स्टॉक में है या नहीं। ठीक है, वेलकम। सर लास्ट कॉल वही वाला से प्लेस की गई थी। हमारे कुछ लोग शहर के चारों ओर हैं। सर बड़ा बाजार से फोन आया है,
कि वहां पर कुछ बच्चे पैराशूट की इंक्वायरी कर रहे हैं। ओके सर। यूनिट 3 कमांडो से जाओ। गैतन। यस सर। कुणाल, पेरिस के साथ बच्चे भी हैं, सो बी केयरफुल। यस सर। छोटे हैं यार, एक बच्चे हैं सर। Are you sure? Yes sir. Okay. Hello. तुम लोग तो डरे हुए क्यों हो? अच्छा, अंकल ने डराया क्या? अंकल डराते हो बच्चों को? ए बंदूक क्या देखा तुम्हें? हटो, करो, निकलो यहां से। डांट दिया मैंने। अच्छा अंकल, अब तुम्हारा पनिशमेंट ये है, तुम सबके लिए समोसे लाओगे। यार तुम तो बड़े स्टाइलिश हो, ये तुम्हारा चश्मा है कि? अच्छा ओके ओके। अच्छा ये बताओ, तुम इससे सबसे तेज कौन है, मतलब लीडर कौन है तुम्हारा? अच्छा तो तुम हो। हाय, हेलो। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अभी कुछ तो नाम होगा ना, मतलब विकास, कुणाल, आसिफ, इकबाल, ऐसा कुछ तो करना ना। ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा, अच्छा। हेलो ऋषभ, आई एम राइनो। अरे ऋषभ, तुम्हें पैराशूट उड़ाना आता है? नहीं मतलब हमारे पास है 5 पैराशूट। कितने पास? जी सर, 5 पैराशूट है हमारे पास। चलोगे? अभी करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो, ये लोग बात नहीं कर रहे मुझसे, मैं जा रहा हूँ। ये वो समोसा कैंसिल कर दे यार। ठीक है सर। समोसा कैंसिल है। पैराशूट चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं लगता है बच्चे इन्वॉल्व्ड है। We can't take the risk. एक काम करो, इनको एक रात के लिए रखते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। जस्ट मेक देम कंफर्टेबल। ओके। थोड़ा खिला पिलाओ, हो गया। एंड हाँ, नो यूजिंग फोर्स। श्योर सर। दैट्स एन ऑर्डर। ओके सर। ब्रायनो का फोन आया था। आई थिंक इज़ गॉट अ लीड। हमें इसी वक्त मुंबई जाना होगा। Alin, you come with me. Sir. Adi. Sir. You stay back. Yes, sir. Okay? Okay, sir. Start packing. ये है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और ये सेक्रेटरियट। फरीद और करीम, तुम दोनों इस रास्ते से जाओगे। मैं और सईद यहाँ से अटैक करेंगे। भाईजान, हमने इस एरिया का मुआयना किया है। इस बार बंदोबस्त बहुत ज्यादा है, कहीं 26/11 के माफक क्या? फक्र करो कि उन शहीदों की जान का बदला लेने का मौका अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है। यहां की आवाम को और यहां की सरकार को हमें बताना है, हम खामोश नहीं हैं। लेकिन भाईजान, पहले हम आपस में मशवरा करके
मेरा मतलब है कि इत्मीनान से। शहादत इत्मीनान से हासिल नहीं होती, जंग से होती है। ये मकसद, ये मौका अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है, हम इसमें जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ना किसी के आंख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं हूं, प्रताप सिंह सुबेदार। क्या हुआ दरोगा जी? क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। जिंदगी मिली पहाड़ों में, नौकरी पुलिस में, घर बार आर पार, सब तरफ मौसम की मार। एक बीवी है, उसकी नजरों में कोई इज्जत ही नहीं, ना लोगों के दिल में प्यार। स्कूटर भी साला बेकार, स्टार्ट ही नहीं होता। बेटा जिसको लोरी गा के सुनाता था वो भी मालूम। उसके भी नजरों में एक नाला एक बार, फिर भी कोई शिकायत नहीं। ये महा एक सेहत है, वो भी साथ नहीं देती। एक सांसों का सहारा है, वो भी बेटा ले गया है मोलू। एक बार आ जा बेटा, एक बार। तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो न पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखूं मैं डर डर जाऊं। उठ के ढूंढूं चारों तरफ मैं तुझको, फिर भी देख न पाऊं। मैं जो तुझसे दूर हूं इतना, कैसे तेरे पास में आऊं। बैठी होगी खाने की थाली, चावल के लड्डू उस पर सजा के, आंखें तेरी रोती होंगी आने की मेरी आस लगा के। पर वो
ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम? रात भर खाना भी नहीं खाया तुम लोगों ने। सर मुझे लगता है इन लोगों के साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। देखो अगर तुम लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं तुम लोगों को घर तक छोड़ के आऊंगा। अंकल हम सब नैनीताल से आए हैं, वो पैराशूट। पैराशूट क्या बोलो? देखो मैंने प्रॉमिस किया तुम लोगों से कि सर कुछ बताया इन्होंने नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। सर ये सभी बच्चे नैनीताल के हैं सर। ये पप्पू है और वो मोनू, प्रताप सिंह का बेटा। इसके पापा से हम मिल चुके हैं। क्यों ढूंढ रहे थे पैराशूट तुम लोग? अंकल हमें पैराशूट से आसमान में उड़ना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हमने एक अंकल को फोन पर बात करते सुना था पैराशूट की। उस अंकल को देखोगे तो दोबारा पहचान लोगे। वो चार आदमी थे, चारों के पास बड़ी बड़ी बैग थी। वो सब एक बिल्डिंग के अंदर गए। तुम जानते हो बिल्डिंग का? जी हाँ। शाल भी? या?
ले जाओ उसको। सपने देखे बिना आसमान में उड़ना तो दूर, जिंदगी में चलना भी मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। इन बच्चों ने जिस हिम्मत से हमारा साथ दिया और टेररिस्ट को पकड़ने में हमारी मदद की, उसके लिए पूरा देश इनके आभारी है। मैं मानता हूं कि ये अपने घर से, अपने गांव से भागे, वो गलत है, पर इस गलती ने एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने से रोका है। मेरे इन बच्चों के माता पिता से और ऐसे सारे बच्चों के माता पिता से विनती है कि वो इनकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशों को, इनके सपनों को हकीकत के पंख दें। सरकार की तरफ से मैं इन बच्चों को आसमान में उड़ने का सपना पूरा करता हूं। जाओ बच्चों, उड़ो आसमान में, मगर धागा अपने हाथ में रखना। जाओ अपने सपनों को पूरा करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सूरज से रोशनी, चांद से माँ।